Assalamualaikum friends, welcome to Huzaifa Academy. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम MS Paint पे कस्टम थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं. जी हाँ, ये MS Paint मैं ओपन कर लिया मैंने. अगर इसको क्लोज कर दूँ तो ये आएंगे स्टार्ट पे. स्टार्ट पे आने के बाद ये रहा MS Paint, इस पर आप क्लिक कर दो. क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ये MS Paint का विंडो ओपन होगा. यहाँ पे बनाने के लिए आपको MS Paint पे कस्टम थंबनेल आप आ जाइए अपने ब्राउज़र पे. ब्राउज़र पे देखिए मैंने ये MS Paint का आइकन सर्च किया हुआ है, तो इससे मैं ये पिक्चर उठा लेता हूँ. उस पिक्चर को मैं कॉपी कर लूँगा. कॉपी किया, पेंट पे आए, यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से. इसको बड़ा भी कर सकते हैं साइज में, इसको आप यहाँ रख सकते हैं अपने हिसाब से. मैं एक और पिक्चर लेना चाहूँ तो मैं इसको भी उठा सकता हूँ. कॉपी कर लें इसको आप, कॉपी इमेज यहाँ आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए. हम यूट्यूब के लिए कस्टम थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं अपनी वीडियोस के लिए, तो यूट्यूब का लोगो भी चाहिए. हम यूट्यूब का लोगो उठा लेते हैं. ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो. यहाँ आप जस्ट यूट्यूब प्रेस करो. चलिए यूट्यूब आ गया. यूट्यूब आप देख सकते हो. मैं ये अगर लोगो उठा लूँ, कॉपी कर लूँ इसे, यहाँ के पेस्ट कर लूँ. तो ये आप देख सकते हो हाउ टू क्रिएट कस्टम थंबनेल. आप इसके अलावा आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप टेक्स्ट का एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करूँगा तो उसके बाद जब मैं इस पेज पे वाइट एरिया पे क्लिक करूँगा तो ये मैं डायल एक बॉक्स ओपन होगा. बॉक्स, ये बॉक्स टाइपिंग के लिए कि आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो. तो यहाँ पर देख लेता हूँ, कस्टम थंबनेल्स. इसको आप, अब ये तो ये है, इसको आप कलर भी दे सकते हैं. कैसे? हमने टेक्स्ट टाइप किया तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. मैं ये बात, मैं ये जो आएगा ना इस पर क्लिक कर लीजिएगा. ऊपर ट्रांसपेरेंट के ऊपर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे आप. तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे अभी ये सेलेक्ट हुआ है नंबर टू, इस पर क्लिक किया है, इस पर ग्रीन कलर सेलेक्ट हुआ है. आप यहाँ पर जब आते रहोगे तो कलर आपके हिसाब से चेंज होता रहेगा. मैं ये कलर रख लेता हूँ. अब ये ब्लैक है, ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट के लिए, इस पर क्लिक करेंगे. टेक्स्ट का कलर ब्लैक है अभी, मैं यहाँ पर आऊँगा कलर में, इसका कलर चेंज होता रहेगा. आप देखेंगे जो आपको पसंद हो आप रख सकते हो. ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हो. इट्स ओके. आप यहाँ, ये तो हो गया हाउ टू क्रिएट कस्टम थंबनेल. यहाँ पे आप लिख देंगे विद MS Paint, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे. तो हम अभी कलर ये ऑलरेडी वो सेलेक्ट हुआ है, इस वजह से इस बॉक्स का कलर भी वो है. तो मैं बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे MS Paint. इसके साइज को इंक्रीज कर लीजिए. बॉक्स को आप बढ़ा सकते हो. ये हो गया येलो है, येलो पे क्लिक किया, कलर में चेंज करने लगा. कलर अगर ये रख दूँ, यहाँ पे आऊँगा रेड पे क्लिक करूँगा क्योंकि वो रेड था. अब ये रेड हुआ था तो उस पर क्लिक किया मैंने. अब मैं इसको चेंज करना है, सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं फिर जस्ट इसको घुमाऊँगा. आप देखिए कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा. ये रख देते हैं इसका कलर, यहाँ आ जाते हैं. आने के बाद मैं
देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह आप अपने YouTube के वीडियोस के लिए क्रिएट कर सकते हो, अगर कोई पिक्चर लेना चाहो पिक्चर ले सकते हो और उसको फॉर्मेट कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको हेडिंग दे सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप कंट्रोल एस करोगे तो इससे हो जाएगा। कंट्रोल एस कीजिए आप इसको, तो ये आपसे मांगेगा नाम दीजिए, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए। कस्टम थंबनेल का जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो आप देख सकते हो, आप करते रहते हो कस्टम थंबनेल का जो वीडियो, उस पर क्लिक कर सकते हो तो ये कस्टम थंबनेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा आपके वीडियोस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।